हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि सिविल स्कोर की शुरुआत आप कहां से कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका और 100% आपकी जो सिविल है वो 750 से 800 प्लस होने में टाइम नहीं लगेगा। एक जेन्युइन तरीका बताऊंगा, ना आपको कहीं दौड़ना पड़ेगा, आपको सिर्फ 1 से 2 काम करने पड़ेंगे। तो मेरी आपसे विनती है कि अगर आप भी अपने सिविल की शुरुआत करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरी सिविल अच्छी खासी रैंक हो, अच्छी खासी इंक्रीज हो, तो मैं पूरा डिटेल्स इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो मेरी आपसे विनती है कि मुझे लाइक करके सपोर्ट करें और इस वीडियो को स्किप न करके शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना। चलिए बात करते हैं टॉपिक के ऊपर। दोस्तों देखिए, शुरुआत हर इंसान जैसे जॉब करेगा, चाहे नौकरी करेगा, चाहे कोई भी काम करेगा, चाहे खेती बाड़ी करे, उसकी शुरुआत तो आपको करनी ही पड़ेगी। कोई काम शुरू से ही अंत होगा, आप ये मत सोचो कि अंत से शुरू हो तो ऐसा नहीं होता है। तो अब यहाँ पे सवाल आ गया है कि सिविल स्कोर का काम कैसे शुरू करें। काफी लोग सिविल स्कोर अपना 0 से लेके 800 प्लस 750 बनाने के लिए क्या करते हैं कि मोबाइल ऐप कंपनी जो ऑनलाइन ऐप है, 1500-2000 रुपए का लोन ले लेते हैं, हमारा सिविल जनरेट होगा। किसी किसी का वीडियो देख लिए, भाई पे लेटर ले लो, आपका सिविल बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई न्यूज में खबर आ गई कि सिविल बढ़ाने के लिए कोई प्रमोशन कंपनी आई है, आप उसमें पैसा इन्वेस्टमेंट करके आप एक जो है ज्वाइनिंग मेंबरशिप ले लो, या आप कोई वर्चुअल कार्ड ले लो, सिविल आपका बनने लगेगा। तो इस तरीके से आप एक गलत मार्ग पे भटक जाते हो, आपका पैसा बर्बाद होता है, टाइमिंग बर्बाद होता है और होता कुछ नहीं है। कुछ लोग करते हैं बट जो आपकी टाइमिंग है वो बहुत ज्यादा बर्बाद होती है। तो यहाँ पे सिविल देखिए, मैं भी आपकी तरह था, मैं कोई ऐसा नहीं कि भाई सिविल मैं खरीद के लाया हूँ, कहीं मार्केट मिलता है। मेरे पास भी सिविल नहीं था, मेरे पास कुछ भी नहीं था, कोई लोन भी नहीं था। तो मेरी स्टोरी में काफ़ी ज़्यादा मैंने आप लोग को शेयर किया था। तो सिविल स्कोर मैंने बनाने के लिए मैंने सिर्फ एक मोबाइल फाइनेंस करवाया था। अब आप लोग बोलोगे भाई ये तो चीज़ें आप बहुत बता चुके हो। देखिए, मोबाइल जो फाइनेंस होता है ना, ये आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर आपके पास सिविल स्कोर नहीं है तो कोई आप बड़ा लोन अप्लाई करोगे तो आपको कोई बैंक देगा नहीं, देगा बट सिक्योरिटी तौर पे। घर का मकान या पेपर दो, या तो जमीन का पेपर दो, या किसी को गवाह बनाओ, या तो कोई का अकाउंट है उसके बेस पे आपको मिल जाए, बट आपके नाम पे तो नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे अगर आप डायरेक्टली जो है कोई कंज्यूमर डुअर लोन अगर अप्लाई कर लेते हैं ऑफलाइन जाके, तो वहां से क्या है कि वो लोग सिविल नहीं देखते हैं। या तो आपका सिविल स्कोर 0 रहेगा तब आपको मिल जाएगा कंज्यूमर डुअर लोन, मोबाइल फाइनेंस लोन, या तो आपका सिविल स्कोर जो है करीबन 750-800 के लमसम रहेगा तब आपको मिलेगा। अगर आपका सिविल स्कोर 0 से लेके 600-650 है तो बहुत कम चांस में आपका अप्रूव होगा। कारण ये है, कंपनी दो ही रास्ता देखती है, पहला या तो आपका एकदम 0 रहे, दूसरा या तो आपका जो सिविल है वो 750 के ऊपर रहे तभी मिलेगा, बीच में रहेगा तो बहुत कम चांस में आपका अप्रूव नहीं होता है। तो मैंने शुरू शुरू में ओप्पो कंपनी का मोबाइल फाइनेंस करवाया था। मैं अमरौली में, सूरत में था, सूरत में अमरौली पड़ता है, अमरौली में ओम साई मोबाइल का शॉप था, मैं वहां पे गया था। वहां पे अपने सारे डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक का पासबुक ले गया था। वहां पे मैं जो है एक मोबाइल ओप्पो कंपनी का फाइनेंस करवाया था और मेरी सिविल वहीं से जनरेट होनी चालू हो गई। करीबन 7 से 6 मंथ में मेरा सिविल अच्छा खासा बन गया और मुझे लोन और कार्ड का ऑफर आने लगा। तो शुरू शुरू में कोई आपको अगर भटकाता है, आप वहां से मेंबरशिप ले लो, ये कर लो, वो कर लो, कोई काम मत करना, ये मेरा सलाह है। बाकी सिविल बढ़ाने के लिए बहुत सारी वेबसाइटें हैं, आप उसमें कुछ पैसा लगा दो तो आपका वो सिविल बढ़ाने की बात करती हैं, बट ये सब गलत है, क्योंकि सिविल आपका एक जेन्युइन रिपोर्टिंग हो रहेगा तभी काम देगा, फेक काम से आप करोगे तो परेशान हो जाओगे। तो शुरू शुरू में मैं घुमा फिरा की बातें नहीं करूंगा, आप जो है एक मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक कोई सामान फाइनेंस करवा लो, कोई भी सामान, एक NBFC पार्टनर से आप कोई सामान फाइनेंस करवा लो ऑफलाइन, आपका सब सिविल है वो 100% इंक्रीज होगा। मैं आपको पेपर पे लिख के दे सकता हूं कि भाई आपका सिविल बढ़ेगा, इतना मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, यकीन करना इस बात का। अगर आप सिविल बढ़ाना चाहते हैं 0 से लेके 800 750, तो आप कभी भी
सिविल बढ़ाते टाइम आप जो है ऑनलाइन ऐप से लोन ना लें। देखो मैं बार बार बोलता हूँ, मेरा ऑनलाइन ऐप कंपनी कोई दुश्मन नहीं है, सिर्फ क्या है कि काफ़ी लोग इन्हीं लोग के चलते आत्महत्या किए हैं। तो भाई जान तो जान होती है, इंसान तो इंसान होते हैं ना, चाहे कोई भी पर्सन अगर ऐसा गलत काम कर लिया इस कंपनी की वजह से तकलीफ तो होगा ही। तो दोस्तों इन लोगों के चलते काफ़ी लोगों ने आत्महत्या किया है सिर्फ पैसा न पे करने की वजह से। देखिए भाई गरीबी किसके पास कब आ जाए कोई जानता नहीं है, तो इसलिए ऑनलाइन ऐप से दूर रह के आप कंज्यूमर डूबर लोन ऑफलाइन फाइनेंस करवा लो, सबसे बेस्ट रहेगा, आपकी सिविल 100% इंक्रीज होगा। अगर आप लोन करवाते टाइम पेमेंट हमेशा बैंक से जाने दीजिए, इतना आपको विश्वास दिलाता हूं कि 7 से 6 मंथ में आपकी जो सिविल है वो धीरे धीरे तैयार हो जाएगी, 8-9 मंथ में आपकी सिविल एक अच्छी खासी हो जाएगी और आप लोन कार्ड ले पाओगे, ये बातें याद रखना। और ये नहीं कि आपने बजाज से लोन करवा लिया, एक एमआई आपका चल रहा है, 2 एमआई पूरा हुआ फिर से लोन करवा लिया, एक किस्त पहले आप एक लोन को पूरा क्लोज करो अच्छे से, फिर धीरे धीरे आप लोन लेते रहो और आपका सिविल इंक्रीज हो जाएगा। बट याद रखना ऑनलाइन ऐप से अगर आप लोन लेते हो तो सिविल आपका जो इंक्रीज हुआ है वो भी डाउन होने में टाइम नहीं लगेगा, इतना याद रखना। कुछ ऑनलाइन ऐप हैं जो कुछ अच्छे हैं, जैसे आपका नवी है भाई, लोन तो देता है बट कुछ लोगों को नहीं देता है कि प्ले स्टोर पर काफ़ी उल्टी पुल्टी रेटिंग है। देखो रेटिंग कोई गलत तो डालेगा नहीं, आप ही लोग में से काफ़ी जो डालते हैं रेटिंग जाके, तो मैंने एक वीडियो बनाया, काफ़ी लोगों ने मुझे उल्टा पुल्टा बोला भाई कि नवी लोन देता है, तेरे को नहीं दिया तो तू बुराई कर रहा। देखे भाई मैं किसी की बुराई नहीं करता हूँ, मेरा काम है सच्चाई बताना, झूठ बोलना मेरा काम नहीं है। मैं खुद चीज़ों को ट्रैक करता हूँ, रिसर्च करता हूँ, वीडियो ला के देता हूँ, किसी यूट्यूबर का कॉपी नहीं करता हूँ। इसको वीडियो देख लिया मैं ला के आपको दे दिया, मेरा इन्फॉर्मेशन सबसे अलग रहता है, मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ जो मेरे संग बीता रहता है, तो वही मैं आपको बताता हूँ। तो सो प्लीज़ आप ऐसा इल्जाम ना लगाएं, कुछ ऐप अच्छे हैं बहुत सारे बुरे भी हैं, सो प्लीज़ ऑनलाइन ऐप से दूर रहो, आपका सिविल खराब नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, विश्वास दिलाता हूँ आपको। लोन शुरू शुरू में सिविल इंक्रीज करने के लिए आपको लोन अगर लेना है तो आप कुछ मत करिए, एक इलेक्ट्रॉनिक सामान ले लीजिए, एसी, फ्रिज, कूलर, मोबाइल, जो भी आपको है, डाउन पेमेंट पे करके आप किसी भी एक एनबीएफसी पार्टनर से आप लोन करवा लीजिए ऑफलाइन, आपकी सिविल 100% जनरेट होगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। अगर कोई सूरत से है, अगर वो चाहता है कि आप मेरा लोन करवा दीजिए, तो मैं आपको अपने साथ शॉप पे ले चलूंगा, वहाँ पे आपका लोन करवा दूंगा, इतना आप विश्वास कीजिए। बाकी और किसी राज्य से हो तो भाई मैं वहाँ तो नहीं आ सकता, बाकी इतना हेल्प कर सकता हूँ। बाकी विश्वास करना कि सिविल अगर आप बना के रखोगे तो लोन क्रेडिट कार्ड मिलने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक करना, दोस्तों में शेयर कर देना, मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।